सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। चलिए रुक करते हैं देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ और नवाचार केंद्र का किया उद्घाटन, कॉल बिफोर यू डिग ऐप भी किया लॉन्च। दिल्ली में पीएम मोदी के खिलाफ पोस्टर लगाने के केस में 100 लोगों पर एफआईआर, आप दफ्तर से निकली वैन जब्त। आर्य समाज के स्थापना दिवस पर बोले अमित शाह, कहा महर्षि दयानंद ने की देश में बौद्धिक जागरण की शुरुआत। ममता बनर्जी का केंद्र के खिलाफ मोर्चा, कोलकाता में देंगी 2 दिवसीय धरना, दिल्ली में सांसदों ने किया प्रदर्शन। संबित पात्रा ने राहुल गांधी को मीर जाफर बताया, कहा शहजादे नवाब बनने के लिए लंदन में बयान देते हैं, माफी तो मंगवा कर रहेंगे। तेलंगाना के एमएलए टी राजा सिंह को पाकिस्तान से मिली जान से मारने की धमकी, पुलिस पर भी उठाए सवाल। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान, बोले आजादी और विभाजन के बाद बचा हिंदू राष्ट्र ही है। अरविंद केजरीवाल का पीएम मोदी पर तंज, कहा अगर बड़ा भाई रोज छोटे भाई को थप्पड़ मारेगा तो छोटा भाई भी आखिर कब तक बर्दाश्त करेगा। बीजेपी नेता बाबूराव चिंचनसूर कांग्रेस में हो सकते हैं शामिल, मल्लिकार्जुन खड़गे को हराने में निभाई थी अहम भूमिका। नितिन गडकरी को आया धमकी भरा फोन, मांगे 10 करोड़ रुपए, ऑफिस और घर की सुरक्षा बढ़ाई गई। वायनाड को लेकर राहुल गांधी का बयान, बोले वायनाड आना घर आने जैसा, लोगों की तरक्की के लिए काम करना मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी की ओडिशा यात्रा, ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक से मिलेंगी टीएमसी प्रमुख। राहुल गांधी का लोकसभा स्पीकर को दूसरा पत्र लिखा, मुझे सदन में बोलने का अधिकार, मेरे खिलाफ बेतुके और बेकार के आरोप लगाए गए। बीजेपी दुनिया की सबसे अहम विदेशी पार्टी यूएस के अखबार ने लिखा, भारत के बगैर चीन की ताकत कम नहीं कर सकता अमेरिका। उत्तर भारत में भूकंप से दहशत, 6.6 तीव्रता, जान बचाने लोग घरों से बाहर भागे, रात भर बाहर गुजारी रात, भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान में था। सीएम योगी ने देवीपाटन मंदिर में किया पूजन, थारू जनजाति के छात्रों से की मुलाकात, 22 मार्च को सुबह लखनऊ होंगे रवाना। सीएम योगी अन्य अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ की वर्चुअल बैठक, एमओयू के क्रियान्वयन में बाधाओं को तत्काल दूर करने के दिए निर्देश। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी का बड़ा ऐलान, 500 से अधिक खिलाड़ियों को देंगे सरकारी नौकरी। बलिया पहुंचे परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, कहा छोटे छोटे योगदान से देश को बना सकते हैं सशक्त, सभी को आगे आना होगा।
यूपी में 3.2 तीव्रता का भूकंप, लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा समेत कई जिलों में महसूस किए गए झटके, लोग घरों से बाहर निकले। चैत्र नवरात्र के पहले दिन काशी में शैलपुत्री के दर्शन, दुर्गा कुंड में लाल चुनरिया, नारियल और चूड़ा चढ़ाकर मन्नतें कर रहे लोग। अयोध्या में 10,000 मंदिरों में राम जन्म उत्सव, भगवान के श्रृंगार पूजन के बाद रामचरितमानस का पाठ शुरू। भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर नए साल का शुरुआत, काशी में ध्वजारोहण के बाद उतारी गई मां गंगा की आरती, हर हर महादेव से गूंज उठे घाट। नवरात्र पर रामायण कालीन देवी मां आस्था की भीड़, माता सीता द्वारा स्थापित कुल देवी छोटी देवकाली के रूप में है विराजमान। विंध्याचल धाम में सेल्फी पॉइंट का शुभारंभ, दिव्यांग और वृद्ध श्रद्धालुओं के लिए इलेक्ट्रिक बस और कार सेवा शुरू। तेज रफ्तार कार गन्ने से लदी ट्रॉली में घुसी, हादसे में पति पत्नी सहित एक मासूम की मौत, एक गंभीर घायल। कानपुर में हेड कांस्टेबल ने ट्रेन से कटकर किया सुसाइड, 7 महीने से सस्पेंड था, अस्पताल में डिप्रेशन का चल रहा था इलाज। मेरठ में एचटी लाइन की तार गिरने से झुलसा युवक, ऑटो का इंतजार कर रहा था, तार टूटकर गिरा तो 40 सेकंड तक तड़पता रहा। दोस्त आरिफ से जुदा हुआ सारस, वन विभाग की टीम ने पक्षी विहार में छोड़ा, एक साल से साथ रह रहे थे दोनों। नवविवाहिता ने जहर खाकर दी जान, भाई को फोन कर कहा मैं जा रही, अपना और मां का ख्याल रखना, पति ने पहुंचाया अस्पताल। अस्पताल में महिला बाइक मिस्त्री की दुकान जली, कोरोना में नौकरी गई, फिर लकवाग्रस्त हुए पति, तब पूनम ने खोली थी दुकान। बिजनौर में सड़क हादसे में युवक की मौत, रोडवेज बस की चपेट में आई बाइक, बस में सवार 10 यात्री भी घायल। संबल में 2 बाइकों के आमने सामने से भिड़ंत, मुरादाबाद में इलाज के दौरान एक किशोर की मौत, एक घायल। उन्नाव में पति और जेठ पर दुष्कर्म का केस, पीड़िता का आरोप, पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की, फिर चक्कर कटवाती रही। देवरिया से किशोरी से पड़ोस के युवक ने किया दुष्कर्म, मुकदमा दर्ज कर पुलिस कर रही तलाश, 2 दिन पहले की घटना। रिटायर्ड सीओ से ब्लैकमेलिंग कर 6 लाख की वसूली, आगरा में महिलाओं का गिरोह सक्रिय, आपत्तिजनक वीडियो बनाकर कर रही ठगी। कॉलोनी में कुत्ता घुमाने को लेकर भिड़ी 2 महिलाएं, मेरठ में एक ने दूसरे पर तलवार से किया हमला, खुद भी घायल हालत में पहुंची थाने। रामपुर में चुनावी रंजिश में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, प्रधान सहित 6 घायल, एक दूसरे पर असलाहों से किया हमला। हापुड़ पहुंचे एडीजी राजीव सबरवाल, अफसरों को पढ़ाया कानून का पाठ, त्योहार पर अभेद सुरक्षा को लेकर दिए दिशा निर्देश। मथुरा में महसूस किए गए भूकंप के झटके, घरों में से बाहर निकले लोग, 1 घंटे सड़कों पर रही भीड़।
आगरा में घरों के सामने भरा गंदा पानी, हाईवे अथॉरिटी ने खोद डाली मिट्टी, परिवहन मंत्री से शिकायत के बाद भी नहीं बनी रोड। बरसाती पानी में उतरा स्ट्रीट लाइट का करंट, दो की मौत, सड़क पर लगे पानी में घुसते ही गिरे बाइक सवार, ढाई घंटे बाद पहुंचे लाइनमैन। बरेली में स्मार्ट सिटी बोर्ड समिति की बैठक, कमिश्नर ने कहा शहर की लाइट के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जाए। हमीरपुर में एक युवक की चार लड़कों ने की पिटाई, पुलिस ने चार नामजद के खिलाफ मुकदमा किया दर्ज, आरोपियों की तलाश हुई तेज। यूपी में ओले बारिश से फसलों का हुआ बुरा हाल, 30% गेहूं की फसल, खेतों में बिछी सरसों और आम को सबसे ज्यादा नुकसान। मुख्यमंत्री धामी ने दी चैत्र नवरात्रि की शुभकामनाएं, कहा मां शैलपुत्री से प्रार्थना है कि आप सभी के जीवन में सुख और समृद्धि का वास हो। हिंदू नववर्ष के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं, कहा नववर्ष आप सभी के जीवन में सुख संपन्नता का संचार करे। सीएम धामी ने डॉक्टर केशव हेडगेवार को दी श्रद्धांजलि, कहा राष्ट्र सेवा एवं संगठन को समर्पित आपका जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उत्तराखंड के मंत्री सतपाल महाराज ने आर्ट गैलरी का किया औचक निरीक्षण, पेंटिंग की साफ सफाई नहीं होने पर अधिकारियों को लगाई कड़ी फटकार। उत्तराखंड के सीएम धामी ने दिए निर्देश, बोले विधायकों के प्राथमिकता पर रखे गए कार्यों में ना की जाए देरी। उत्तराखंड में चुनावी साल में धामी सरकार का हिंदुत्व के एजेंडे पर जोर, समान नागरिकता संहिता कानून लागू करने की तैयारी। उत्तराखंड को केंद्र से 3 महीने और मिलेगी अतिरिक्त बिजली, यूपीसीएल ने 2 माह के लिए खरीदी गैस। उत्तराखंड सरकार को लगा झटका, कैट ने खारिज की पुनर्विचार याचिका, सही करार दी भर्ती की हाफ पद पर नियुक्ति। उत्तराखंड में पहाड़ से मैदान तक बारिश, केदारनाथ में जमकर हुई बर्फबारी, पूर्णागिरी मार्ग पर आया मलबा। अग्निवीर भर्ती में आईटीआई पास युवाओं को मिलेगी वरीयता, न्यूनतम 20 से लेकर अधिकतम मिलेंगे 50 अंक बोनस। उत्तराखंड में टैंकर पलटने से अंदर फंस गया था ड्राइवर, फरिश्ता बनकर पहुंची एसडीआरएफ, टपक रहा था तेल, आग लगने का था डर। उत्तराखंड में क्रिप्टो करेंसी में अच्छा रिटर्न लगाने का झांसा देकर वकील से ठगे, 5 लाख रुपए मामला हुआ दर्ज। उत्तराखंड में दूसरे की जमीन बेचकर 1,11,00,000 की ठगी, महिला समेत 3 गिरफ्तार। उत्तराखंड के चार धाम श्रद्धालुओं की समिति संख्या के विरोध में उतरे तीर्थ पुरोहित, प्रदेश भर में किया जोरदार प्रदर्शन। देह व्यापार के मामले में वांछित महिला 12 वर्ष बाद गिरफ्तार, पहचान बदलकर हिमाचल में रह रही थी आरोपी। जॉनसन ने संसद को गुमराह करने का आरोप स्वीकार किया, बोले नीयत गलत नहीं थी।
यूके के लोगों में पाकिस्तान को लेकर भारी नाराजगी, संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद के दौरान उठा मामला। पुतिन का अरेस्ट वारंट जारी करने पर भड़के पूर्व रूसी राष्ट्रपति मेदवेदेव, इंटरनेशनल कोर्ट पर मिसाइल हमले की धमकी। इमरान खान ने किया बड़ा खुलासा, कहा कोर्ट में मुझे जान से मारने की बनाई गई योजना, अल्लाह ने बचाई मेरी जिंदगी। कनाडा की जांच एजेंसी ने चुनावों में चीनी हस्तक्षेप का लगाए आरोप, समिति सौंपेगी संसद को रिपोर्ट। लंदन में खालिस्तानियों के खिलाफ विरोध, सैकड़ों भारतीय तिरंगा लेकर इंडियन हाई कमीशन पहुंचे। यूक्रेन पहुंचे जापान के पीएम किशिदा, कुछ देर पोलैंड में रुककर ट्रेन से कीव पहुंचे, जंग में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। जिनपिंग ने पुतिन को दिया चीन आने का न्योता, रूस दौरे के दूसरे दिन पीएम मिशुस्टिन से मिले, शाम को दोनों राष्ट्रपति की ऑफिशियल मीटिंग। अफगानिस्तान पाकिस्तान में भूकंप ने बांटी मौत, कम से कम 19 लोगों की गई जान, भारत में भी दहशत। उत्तरी कैलिफोर्निया में चक्रवात ने जमकर तबाही मचवाई, 1.5 लाख लोगों के घर से बिजली हुई वंचित, एक की मौत। चैट जीपीटी का कंपेटिटर बार्ड लॉन्च हुआ, गूगल के इस चैट बॉर्ड को अभी चुनिंदा यूजर्स ही एक्सेस कर सकेंगे। लॉन्च हुआ नोकिया C12 प्रो स्मार्टफोन, स्मार्टफोन में 6.3 इंच का HD प्लस डिस्प्ले और 2GB वर्चुअल रैम। फैशन इंडस्ट्री में शानदार तेजी, सिर्फ 9 महीने में फैशन रिटेलिंग कंपनियों की आय 55% बढ़ी। रियलमी C55 स्मार्टफोन भारत में हुआ लॉन्च, 11,000 रुपए में मिलेगा 4G स्मार्टफोन में। वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुस्ती पर तेज रहेगी भारत की वृद्धि, RBI ने कहा दूसरी तिमाही से बढ़ी रफ्तार। क्रेडिट स्विस UBS के विलय से भारत में 14,000 नौकरियों पर संकट, IT कंपनियों के 20 लाख करोड़ के कारोबार पर। नई पॉलिसी लागू करने जा रहा भारतीय रेलवे, ट्रेनों में होगी सफाई, गंदे कंबल खराब खाने से मिलेगा छुटकारा। RBI ने बैंकों को दिया खास निर्देश, सालाना क्लोजिंग के लिए 31 मार्च तक खुली रखे शाखाएं। बोइंग इंडिया का बड़ा बयान, कहा अगले 20 वर्षों में भारत को 31,000 पायलट्स की पड़ेगी जरूरत। केवल 2 महीनों में 7 कंपनियों ने निकाले करीब 26,000 कर्मचारी, लिस्ट में अमेजॉन, मेटा समेत कई दिग्गज कंपनी शामिल। IPL वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन फाइनल से बाहर हो सकते हैं श्रेयस, पीठ दर्द के चलते आखिरी टेस्ट और वनडे सीरीज नहीं खेले, सर्जरी हुई तो 5 महीने लगेंगे। लियोनल मेसी को अर्जेंटीना में डिनर करना पड़ा महंगा, होम टाउन रोसारियो में झलक पाने के लिए भीड़ उमड़ी, वही पुलिस फोर्स ने बचाया।
वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 डिफेंडिंग चैंपियन निखत सहित तीन भारतीय क्वार्टर फाइनल में। आरसीबी डायरेक्टर माइक हिसन ने बयां किया अपना दर्द, कहा मुझे हर बार याद दिलाया जाता है कि हमने एक भी ट्रॉफी नहीं जीती है। सूर्य कुमार यादव के बचाव में उतरे कोच राहुल द्रविड़, बोले वो 50 ओवर का खेल सीख रहे हैं। बारह शहरों में होंगे वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप के मैच, 5 अक्टूबर को होगी शुरुआत, 19 अक्टूबर को अहमदाबाद में खेला जाएगा फाइनल। WPL के फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स आखिरी लीग मैच में यूपी को 5 विकेट से हराया, यूपी मुंबई के बीच एलिमिनेशन 24 मार्च को। मुंबई ने 4 विकेट से जीता आखिरी मैच, WPL फाइनल की ओर मजबूत कदम बढ़ाया, अगले मुकाबले से तय होगा पहला फाइनलिस्ट। दिल्ली कैपिटल्स टीम के साथ जुड़े रिकी पॉन्टिंग और सौरभ गांगुली, फोटो हुआ वायरल, मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं पॉन्टिंग और गांगुली। साउथ अफ्रीका ने तीसरा वनडे जीत सीरीज को बराबरी पर किया समाप्त, हेनरी क्लासेन ने खेली मैच विनिंग शतकीय पारी। कंगना रनौत को आई कॉलेज प्रिंसिपल की याद, बोली उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि मैं एक स्टार बनूंगी, मैम को हमेशा मुझ पर फक्र होता है। सड़क पर बिना कपड़ों के बदहवास मिली अमेरिकन एक्ट्रेस अमांडा, इशारा कर गाड़ी रुकवाई, बोली मैं साइकेट्रिस्ट एपिसोड से गुजर रही हूं। बजरंगी भाईजान के डायरेक्टर का बड़ा बयान, बोले पठान हमारा जवाब, विवाद मूवी को फ्लॉप नहीं कर सकता। थलाइवी के डिस्ट्रीब्यूटर ने मेकर से रुपए, 1.5 साल बाद भी नहीं हुई नुकसान की भरपाई, प्रोड्यूसर के खिलाफ हो सकती है कार्रवाई। कपिल शर्मा के फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का केआरके ने उड़ाया मजाक, ट्वीट कर लिखा इतिहास रच दिया। शाहरुख खान के साथ दिखे भुवन बाम, मजेदार अंदाज में शूट किया पठान के OTT रिलीज का प्रोमो वीडियो। हिंदुत्व को झूठा बताने पर अरेस्ट हुए कन्नड़ एक्टर चेतन, ट्वीट कर लिखा बाबरी मस्जिद की जगह पर नहीं हुआ भगवान राम का जन्म। पेपराजी के सामने इवेंट में कचरा उठाते देखे रणवीर सिंह, वीडियो देख यूजर्स बोले ओवर एक्टिंग के 50 रुपए काटो। किसी का भाई किसी की जान का नया गाना रिलीज, सलमान खान ने जी रहे थे हम को दी आवाज, पूजा हेगड़े के साथ केमिस्ट्री देख फैंस हुए इंप्रेस। रानी मुखर्जी ने पेपराजी के साथ मनाया अपना 45वां बर्थडे, व्हाइट शर्ट में दिखा कूल अंदाज, सादगी देख फैंस कर रहे तारीफ। देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।